सर श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आयुषी शर्मा, और कविता लिखना मेरी कुछ कविता वाचन करना चाहूंगी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है ये उन दिनों की बात है। जब काट कर किसी की पतंग हम खुश हो जाया करते थे, जब थप्पी बोलते ही हम खिलखिला जाया करते थे, ये उन दिनों की बात है। और नींद आने पर माँ के आंचल में छुप जाया करते थे, ये उन दिनों की बात है। अपना रहा बचपन, अपना रहा बचपन, ये मेरी पहली कविता थी। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है डर लगता है। डर लगता है माँ की सफेद पड़ती जुल्फों से, पिता के गिरते बालों से। डर लगता है माँ की सफेद पड़ती जुल्फों से, पिता के गिरते बालों से, गौरैया के विलुप्त होने से, शहर की चकाचौंध से। गौरैया के विलुप्त होने से, शहर की चकाचौंध से डर लगता है। बदलते मौसम से, सुलगते वन जीवन से, बदलते मौसम से, सुलगते वन जीवन से, आत्मा की ललकार से हर तरफ हाहाकार से, आत्मा की ललकार से हर तरफ हाहाकार से डर लगता है। प्रपंचों के माया जाल से, असामयिक काल से, प्रपंचों के माया जाल से, असामयिक काल से, अशुद्ध शुद्ध के विवाद से, स्त्री के अंतर्नाद से, अशुद्ध शुद्ध के विवाद से, स्त्री के अंतर्नाद से डर लगता है। यूं तो पहले कभी डरे नहीं किसी बात से, मगर अब अपनी इस निडरता से डर लगता है। एक कविता है जो मैंने नववर्ष के लिए लिखी थी। लो आया फिर से नववर्ष, उत्साह उमंग उत्कर्ष। लो आया फिर से नववर्ष, उत्साह उमंग उत्कर्ष। मन में है अति हर्ष, बेटियों को अब भी सहना पड़ता है अनचाहा स्पर्श। मन में है हर्ष, किंतु बेटियों को अब भी सहना पड़ता है अनचाहा स्पर्श। किसानों का नहीं मिट पाया अभी भी संघर्ष, किसानों का नहीं मिट पाया अभी भी संघर्ष। यहाँ अब भी रोजगार पर विमर्श, यहाँ अब भी रोजगार पर विमर्श। पुराने मुद्दों का नहीं निकल पाया आज भी निष्कर्ष, पुराने मुद्दों का नहीं निकल पाया आज भी निष्कर्ष। किससे लिया जाए सही परामर्श, क्या सही मायनों में आया है नववर्ष। मेरी अगली कविता का शीर्षक है एक मासूम की कलम से। जाने मुझसे क्या रिश्ता था, जाने क्या नाता था, जाने मुझसे क्या रिश्ता था, जाने क्या नाता था, न जाने क्यों वो इंसान मुझे नोच नोच खाता था, न जाने क्यों वो इंसान मुझे नोच नोच खाता था। कहते हैं पहनावे का तरीका जिम्मेदार था, कहते हैं पहनावे का तरीका जिम्मेदार था, पर मैं तो अभी मासूम हूँ, तो फिर कौन कसूरवार था। फिल्मों के लिए लड़ते हो, फिल्मों के लिए लड़ते हो, मानवता दरकिनार थी, क्या मेरी इस हालत की मैं खुद जिम्मेदार थी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है फलक के पार। सुनो, मुझे मिलना फलक के उस पार, जहाँ ये जात पात के शिकंजे ना हो। सुनो, मुझे मिलना फलक के उस पार, जहाँ जात पात के शिकंजे ना हो, जहाँ वो वहशी दरिंदे ना हो, जहाँ जात पात के शिकंजे ना हो, जहाँ वो वहशी दरिंदे ना हो, जहाँ इंसान को उसकी दौलत से ना तोला जाए, जहाँ इंसान को उसकी दौलत से ना तोला जाए, जहाँ इंसान के जमीर को यूं ही ना टटोला जाए, जहाँ इंसान के जमीर को यूं ही ना टटोला जाए। मुझे मिलना फलक के उस पार, जहाँ दो वक्त की रोटी के लिए लड़ना ना पड़े, जहाँ दो वक्त की रोटी के लिए लड़ना ना पड़े, जहाँ अपने ही हक के लिए झगड़ना ना पड़े, जहाँ अपने ही हक के लिए झगड़ना ना पड़े। मुझे मिलना फलक के उस पार। ये अगली कविता का शीर्षक है इस बार याद रखना। इस बार याद रखना, जो हिस्से टूटे हैं वो फिर से ना तोड़े जाएं, जो हिस्से टूटे हैं वो फिर से तोड़े ना जाएं, जो किस्से देखे हैं तो वो फिर से मोड़े ना जाएं, जो आंसू छलके हैं वो फिर से बहाए ना जाएं, जो आंसू छलके हैं वो फिर से बहाए ना जाएं, जो अपने रूठे हैं वो फिर से सताए ना जाएं, जो अपने रूठे हैं फिर से सताए ना जाएं। इस बार याद रखना, इस बार याद रखना, जो इबादतें लिखी है, जो इबादतें लिखी है वो फिर से जाया ना जाए, जो शिकस्तें देखी है वो फिर से वापस ना आए, जो इबादतें लिखी है वो फिर से जाया ना जाए, जो शिकस्तें देखी है वो फिर से वापस ना आए, जो मसले सुलझे हैं
वो उलझाए ना जाए, जो शख्स जिंदा है फिर बेमौत दफनाए ना जाए, जो शख्स जिंदा है वो बेमौत दफनाए ना जाए, इस हर बार भूल जाते हो ना, इस बार याद रखना।